नी नी करके 10,000 मनक होगा यहाँ पे, तो 10,000 लोगों की तरफ से अपने को भैया राम करनी है हर जने को, क्योंकि ये नवनीत ने जब बोला तो ऐसे ही क्या भूख लग रही है, व्यवस्था खाने की व्यवस्था है ना, हाँ पोहे मिलेंगे सबको। अब राजबाड़ा पे पोहे तो पांचवी प्लेट मिलेगी, पहली प्लेट तो यहीं से चालू होगी। तो जब मैं बोलूं तब वो भी आराम करना है सबको, जितना लंबा करो उतना अच्छा। और आजकल गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का बहुत रिवाज चल रहा है, तो पिछले हफ्ते हमने 6,000 जनों ने 56 पे करा था, यहाँ पे 10,000 लोग बैठे हैं, तो अपन रिकॉर्ड एक हफ्ते में तोड़ रहे हैं। तो संगीत गुरुकुल की तरफ से प्रीतम लाल दुआ सभागृह के प्रांगण में, राजीव नेमा इंदौरी और मित्र मंडल की तरफ से बिया राव। अब आए ना, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्री के लिए कोई फॉरेनर आदमी चाहिए रहता है, तो हमारे जगदीश जी पाठक बैठे हुए हैं। जगदीश जी आप थोड़ा खड़े हो जाएं। अरे जगदीश जी आप ऐसा कैसे करोगे, आपको इसलिए चुना है क्योंकि इनने कैलिफोर्निया की टी शर्ट पहन रखी है। जरा आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौतम एंड मिस अदिति, और ये लोग स्वच्छता अभियान जो कि हमारा क्लीन इंडिया का अभियान जो चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और इसके लिए इन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया। सुबह 6 बजे से हम लोग भी यहाँ पर कवरेज में लगे हुए हैं, इतने सारे हम लोगों को प्रोग्राम्स देखने को मिले। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि गौतम जी इस मैसेज का क्या आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आप इसको किस लेवल तक अगले साल और ले जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप इंदौर टॉक की ऑडियंस को, इंदौर की ऑडियंस को ही बताएं हमारे पेज के माध्यम से। हम लोग का इसका क्योंकि संगीत गुरुकुल है, म्यूजिशियंस मेरे पास सब बच्चे सीखते हैं, हम लोग गाते हैं, तो हम लोगों ने इसको टैगलाइन दिया है स्वच्छ संगीत से स्वच्छ मन, एक और कदम स्वच्छ भारत की ओर। हम लोग बाहर तो बहुत साफ सफाई हो रही है, हम इंदौर नंबर वन है ही और लगातार गूगल पर, साथ ही साथ हमने ऐसा सोचा कि जो क्राइम रेट्स हैं और जो बाकी सब चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए वो बढ़ रही हैं, हमने सोचा कि ये सब मन से होता है एंड म्यूज़िक इज़ द बेस्ट फूड फॉर सोल, तो हमने बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस वॉक फॉर सोल का आयोजन किया। तो क्या आपके जो गुरुकुल है, मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी बालिकाएं हैं जिन्होंने काफ़ी मधुर संगीत यहाँ पर गाया है, तो आपका कुछ ऐसा प्लान चल रहा है कि आप कुछ स्वच्छता को लेकर कोई नया सॉन्ग आप लॉन्च करना चाहते हैं? मैं जैसे कि मेरी वाइफ ने अदिति, इन्होंने अभी बताया कि हम लोग एक जो रोड एक्सीडेंट्स और ये सब होते हैं उस इनिशिएटिव को इस बार लेकर हम एक वीडियो एक जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये जनवरी में रिलीज़ होगा, तो बस इस इनिशिएटिव के साथ ये वीडियो। ऑलराइट, सो दैट इज़ रियली वेरी ग्रेट न्यूज़। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क मिस अदिति एज़ वेल, लाइक व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट एंड फॉर वुमेन सिक्योरिटी व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर प्लानिंग टू डू नेक्स्ट ईयर और मेबी दिस ईयर? नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आ रहा है ड्राइव से, जो यंग बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब तक ये मैसेज पहुंच पाए कि समबडी इज़ वेटिंग, योर फैमिली इज़ वेटिंग, सो प्लीज़ सेफ ड्राइव करें। तो उसके साथ हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं एंड वो वीडियो हम लोगों के चैनल पे लॉन्च होगा, और उसके साथ अब आने वाले ईयर में हमारे बहुत सारे इवेंट लाइंड अप हैं। एक हमारा इंदौर म्यूजिक फेस्टिवल होता है, वो हमारी जनवरी में ही, हम 27th एंड 28th जनवरी इस बार प्लान कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू ब्लॉग दोज डेट्स फॉर संगीत गुरुकुल फॉर इंदौर म्यूजिक फेस्टिवल। We have a great personality, Mr. Dinesh Kumar Rawat, जो कि 13 साल से एक ही मैसेज पूरे देश को दे रहे हैं और इंदौर टॉक के माध्यम से इसको और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इनका मैसेज है सेफ ड्राइव लॉन्ग लाइफ। ये कैंपेन इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैंपेन पूरे देश में हर तरीके से हर प्रिंट मीडिया के थ्रू सब जगह होना चाहिए, और काफ़ी जो बिजनेसमैन जो सर्विस क्लास लोग हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट स्पोर्ट्स एक जो कि स्पोर्ट्स की शॉप है, वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर दे आर प्रिंटिंग द मैसेज ऑफ मिस्टर दिनेश रावत ऑन देयर बैग, प्लीज ड्राइव सेफ फैमिली नेशन बोथ। हाँ जी, तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे इंदौर टॉक की ऑडियंस को और इंदौर टॉक के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे
परिवार में बच्चे लोगों को बड़ी मुश्किल से माँ बाप बड़ा करते हैं और वो कान में ढक्कन ईयरफोन लगा के दो मिनट में सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मेरा ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सेफ ड्राइव लॉन्ग लाइफ, हमको अपने परिवार में अपने देश के लिए सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना है। हमारे इंदौर में बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है, मैं चाहता हूँ मुंबई से 2000 ज़्यादा वर्ष 2016 में एक्सीडेंट हुए, तो हर लोग देखें तो पेट्रोल पंप ATM सबसे मेरा निवेदन करता हूँ कि ये अपनी जगह लिखें सेफ ड्राइव लॉन्ग लाइफ। ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि भगवान ने हमको जन्म दिया है, हम सड़क दुर्घटना में अपनी जान ना गंवाएं, सावधानीपूर्वक चलें। और साथ ही मैंने ये भी नम्र निवेदन किया है कि गाड़ी चलाते हुए अगर आप 80 की स्पीड से गाड़ी कार चला रहे हैं और ड्राइवर ने मोबाइल देखा तो एक सेकंड में 22 मीटर गाड़ी चलती है, और दो सेकंड में अगर ड्राइवर मोबाइल देखने में लगे तो 44 मीटर तक गाड़ी का कंट्रोल किसका है। ये मेरा निवेदन है कि आप वाहन चलाते हुए मोबाइल ना देखें और सावधानीपूर्वक चलाएँ, और अपने बिलों पर आप देख सकते हैं कि ये इनका सील है जो कि सभी सर्विस क्लास और जो बिजनेस क्लास के जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि अपने बिल्स पर लेटर हेड पर एक मैसेज उनके कस्टमर्स को और उनके ऑडियंस को दे सकते हैं। और आपका बहुत ही अच्छा मैसेज और आपका कैलकुलेशन भी बहुत ही अच्छा है जो कि आपने ट्रैफिक के लिए हमको बताया है। और मेरी सभी यंगर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कान में ढक्कन मतलब हेडफोन जो कि सर ने बताया वो ना लगाएं, और जस्ट बी सेफ क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है।